डॉक्टर पे थे, बहुत संत थे, निष्काम काम करते थे, भगवत सुनाते थे और लोगों को कुछ करते थे, उनके चरण इधर पड़े हैं, इसलिए मोदी छात्री मारा का रूप दार कर आ रहे हैं। सामने सरकारी स्कूल है, ये भी हुण बड़ा चमके करते हैं, डिपार्टमेंट पड़ी हुई है, मेरे को पहले यही चमके करते हैं, कोई पेट वेट हो रही नहीं है, बेचारे टाट बोरी हों, टैक्स वगैरह बड़े अच्छे आए ना, पहले टाट दे पैंदे ਲੈ ਨੇ ਟਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰ ਟਰ ਨਹੀਂ ਥਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਧਰ। अभी हम डिस्ट्रिक्ट सांबा में आए हुए हैं और मैं आपको बताता चलूं कि अभी जिस जगह में हूं, पंचायत पल्ली यहां पर है और यहां पर मैं आपको ये भी बता चलूं कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है दौरा यहां पर है और जिस जगह वो आ रहे हैं आप देख सकते हैं इसी रास्ते से उन्हें यहाँ पर आना है और जिस सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात है और जिस जगह से उन्होंने जो है लोगों को यहाँ पर संबोधित करना है वो ये ग्राउंड है। आप देख सकते हैं तस्वीर में भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की कि ये वही ग्राउंड है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और जहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं तैयारियों की अगर हम बात करें तो काफ़ी जोरों शोरों से जो है यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और अगर तस्वीरें कोशिश करूँगा बाहर से दिखाने की कि जिस जगह जो है प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों को संबोधित करेंगे ये वही जगह है और जिस जगह को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया और उसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत पल्ली की तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो तस्वीरें काफ़ी अच्छी नहीं थी लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आज के वक्त में पल्ली की अगर हम खास तौर पे बात करें तो सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेहतर बनाया गया है और उसके अलावा अगर जिस यहाँ पर जो हाई स्कूल है स्कूल की अगर हम बात करें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गवर्नमेंट स्कूल का नक्शा जो है बदल दिया गया है, हाई स्कूल का नक्शा जो है बदल दिया गया है, तस्वीरों में आप साफ साफ देख ही सकते हैं कि आंटी जी मोदी साहब इतने आने वाले ने, खुश हो? बहुत बहुत खुश हाँ, साढ़ा गांव पल्ली वाला बहुत कर्मे वाला गांव बना है डेवलपमेंट कोई विकास होता पे उन्दे आन हाँ होता पे हाँ होएगा भी तो हो रहा है तो पहले होया हाँ हाँ जी होया हाँ जी उन की मोदी साहब तो उम्मीद ला के तुसी बैठ रहे हो सब कुछ साड़ियाँ गलियाँ खेल आसेंगे जेड़ा सारी पूरी पंचायत की जेड़ा सारा सुख शांति करने बच्चे अगर जेड़ा लाइफ उन्दी बनग अच्छा ठीक है ते उन्दे आने दी अस उम्मीद लाई दी है कि चलो सन कोई बिल्कुल कोई एड्डा वड्डा तोहफा देइए जांगण ऐसे नहीं जाओ इंगे जांगण खा दिला विच की है किस तरीके दे तोहफे च कुछ ते कुछ है उम्मीद चलो सलास रख के उन्दे को लग गया कोई भी जो भी है अच्छा हां ठीक है। आंटी जी तुहाडी की उम्मीद है? साडी भी इही उम्मीद है भाई शासी महाराज मोदी साहब आन सुख शांति देन और साडे बच्चे की जेडी अच्छी जेडी कोई नौकरियां देन बच्चे साडे जवान बच्चे उन्दा कोई कारोबार भी होए। सामने सरकारी स्कूल है, ये भी हुण बड़ा चमके करते हैं, ये डिपार्टमेंट पड़ी हुई है, मेरे को पहले यही चमके करते हैं, कोई पेट वेट हो रही नहीं है, नक्शा की ही है रहा पहले डिवेलपमेंट बहुत कराई है। मैं 14 महीने ते बाकी फिजिकल मेडिकल एग्जाम कुछ हो गया, फिजिकल भी हो गया मेरा, मेडिकल भी हो गया, लेकिन मेरा एग्जाम होता मतलब भी ज्यादा नहीं, कोई 8-9 बारी पोस्टपोन होया बार बार अगे 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 केड़ी केड़ी ना की ही पोस्ट था किस वास्ते पर मेरी आर्मी जीडी। अच्छा मेरी आर्मी जीडी इन्या उन उन्होंने पाला है कि 24 तारीख है परसों मोदी होने आना वो भी पोस्टपोन कर दियो 24 अप्रैल हां जी पोस्टपोन है बार बार कोई कम से कम 8 लोग किथे और कोई पेपर दिता कोई और या सिर्फ ऐसे वास्ते इसी उम्मीद च बैठे रहे हो कि कदू पेपर होने? नहीं 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 एसएससी दा फॉर्म लगया है जीडी दा लेकिन ओ दसा मेरी एज नहीं हुई 18 साल कोला बबल लंदे ना लेकिन मैं 18 साल नहीं आर्मी लग गया 17 साढ़े 17 फॉर्म लगे हो गया लेकिन देखो 14 महीने मेरे कोई एग्जाम नहीं है। दुख लगता है? दुख बड़ा दुख लगता है इसलिए देखो जी एग्जाम ही इंदा इसलिए ट्रेनिंग करी वापस आई की पता इसलिए तू ही भी की पता ड्यूटी दे हां जी वही है उनकी उम्मीद ये करने की मोदी साहब ने ये आखना की जेड़ा भी जीत ना बेरोजगारी नहीं बधी दी है अजकल देखो पढ़े लिखे लोग नहीं या सड़कें पता पता नौकरी ढूंढाई हूँ जिन्हें दूर निकलो कोई अपना यूनिवर्सिटी कोई वो करा दा धरने ला दो कोई कुछ कर अपने हक ताएं हूँ निकलो खुद ही निकलो तुम
खुद का ही रोना आता कि वेले बैठे ने घर घर आए भी ताने करते कुछ करो ये कहो हूँ जो सा एग्जाम है मैं तो यही आखना सा एग्जाम और कख नहीं चाहता फिलहाल जो भी जोरां सुरेश आसी और उन्हें लंगर लाया था फर्स्ट क्लास ठीक चले करता है ये लंगर किना वास्ते ए जेड़े बेचारे काम कुम करन ले जो भी ड्यूटी वाले सिक्योरिटी वाले जो भी है उनके सब वास्ते आने सुरेश आसी ने लंगर लाया था। अच्छा और की तुसी सोच के बैठे रहे हो कि जे मोदी साहब आएंगे कुछ रखे रहे दिलां विच नहीं सानू ये बड़ी खुशी है कि साडे मोदी साहब साडे पल्ली आ रहे ना। अच्छा हां जी हां जी हां जी अंकल जी मोदी साहब पल्ली अंकल जी मोदी साहब पल्ली आंदे पे ने अपने दौरे लई मैनूं दसो की उम्मीदां लैके बैठे हो तुसीं। बहुत ज्यादा उम्मीदां ने सानू तुहाडे मीडिया दे चैनल दे माध्यम कन्ने मैं अपनी तरफा पल्ली पंचायत तरफा मेरी पंचायत चक मुलारा कन्ने उंदी तरफा अस मोस्ट वेलकम मोदी जी दा राती दिने लगे दे आं और लंगर सेवा लगी दी है इतों भी ला दी एक स्टाल है पार पानी का लाया मिठा पानी पीन फोका पीन कोई भी पुलिस का जवान है ज्यादा मुलाजिम है बेचारा बाहर के लोग दूर दूर आए ना कोई दरबदार खजल नहीं हुआ कोई त्रिया नहीं रवे प्यासा नहीं रवे उनका वास्ते पूरा बंदोबस्त किए दस। अच्छा मैं सुनाओ जिस वे तुम पता चले कि मोदी साहब पल्ली मोड़ आने वाले ने पल्ली पंचायत आने वाले नहीं पल्ली 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 आने वाले ने तो उस वेले तुम मतलब की ख्याल है उस वेले की सोच दो सानू बड़ी हरी उम्मीद है जी साढ़े पीआरआई मेंबर दी लाइबिलिटी है 16, 17, 17, 18 दी वो भी मेरे लिए बैठे हैं उदा भी दो चार बार साढ़े डिपकाम साहब कन्नै गल हुई है हूँ सानू कल वो भी आश्वासन दिता कि महाराज चिंता मत करो थोड़ी जी लाइबिलिटी है वो भी क्लीयर कर देगी अस तो सानू काफ़ी हरी उम्मीद है कि साड़ी लाइबिलिटी भी क्लीयर ही हो जाएगा और पल्ली बिच एक मैं आखना हिंदुस्तान की पहली पंचायत है मैं तो ऑलरेडी पूरा मुल्क फिरे कोई स्टेट तो ऐसी नहीं है जी मैंने नहीं दिखी दी होगी क्या वो आंध्रा या केरला है जै तमिलनाडु है जै थोड़ा आसाम है गुजरात है हर जगह फिरे हैं हर जगह दिखे दा और पल्ली पंचायत एक दिखने वाली पंचायत बनी है कोई भी पीआरआई मेंबर पूरी हिंदुस्तान का इतने दिख पा के सोचे कि बने दा मैं दसो डेवलपमेंट की जो गल करिए मोदी साहब के आने से पहले सड़क सुड़क का हाल ठीक ही हाँ ठीक है ठीक है पहले ठीक है हूँ ज्यादा ठीक हो गया नहीं कुदरती गल है जो कोई बंदा घर मेहमान आवे तो थोड़ी स्वागत इस मौका एट प्रजेंट आया उतन दिता टेंडर का टाइल होगा क्या बस्सी बच्चे लगनी है और बस्सी रोड नहीं आया अगर इतने साढ़े ग्रिड स्टेशन बना पल्ली बस्सी बत्ती नहीं जानी है सारे लोगों की जारी कमाई बैठी थी आखिर नहीं जी मैं बड़ा कुछ किया सरपंच ने कख नहीं किया तो गलां नहीं है फजूल गलां ने और बड़ा कुछ हिंदुस्तान गौरमेंट ये करा दी है और अगे और बड़ी चढ़िया करेगी ठीक है नहीं अस इ मेरे लिए बैठे हैं मोदी साहब आएंगे कोई सू तोहफा देंगे किस तरीके दे तोहफे दी उम्मीद है तुहाडी साडा बेरोजगार जवान है जिहड़ा अज दी डेट च हिंदुस्तान दे विच के बड़ा है लेकिन पल्ली चा चक मनाले इत्थों उम्मीद करदे साडे इंडस्ट्री है लागे इंडस्ट्री कोई ऐसी पॉलिसी देन जिहदा सानू साडे नौजवान ने जिहड़े बेरोजगार ने मेरे काम काज लगी जाण ते खुशहाल रचै अपने बीजी अपने बीबी बच्चे पालन ते आनंद लैण। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। अंकल जी की नाम है तुहाडा? रामपाल जी। अच्छा मैनू पाल साहब ये दसो कि उम्मीदा लागे फिर बैठे हो मोदी साहब महाराज सारिया लाई दी अहें साडा कुछ इधर खुशहाल ही होगा थोड़ा प्रोग्राम बन इधर ठीक है नी। अच्छा और जेडे इत्थे स्टेडियम स्टेडियम बनाना चाहने इत्थे स्टेडियम बना किस वास्ते बच्चे खेलने वास्ते अहें ते बुड्ढे हुण खेलना नहीं है ठीक है नी। अच्छा। थोड़ा थोड़ा बनया ज्यादा नहीं बनया मोदी साहब आएंगे ना फिर बात करेंगे उनसे। अच्छा।
अच्छा हां स्टेट ये जेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इथे है ये 7000 रुपए तनखा है सारी अच्छा 7000 रुपया हां हां ते उम्मीद है चलता है नहीं कोई फ्लाइट दे विच गरीब बच्चे है ना बेचारे के घर नहीं चलते हैं 7000 उन्हें तो सरकारी मुलाजिम है उसकी 40-50 लाख तक है अच्छा। इनके 7000 से कहाँ काम चलेगा प्राइवेट सेक्टर वाले भी थोड़ा दिखी जोड़ो ये प्राइवेट सेक्टर भी है कि 5000-4000 इन्हें के बंदा है थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी फोकस कर इन्हें भी थोड़ा चुकन उपर तो अस तो इे चाहे तो फिर तो डूब जे हो जाते हो बिल्कुल जी बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर भी देखो ना सबका विकास होवे सबका साथ सबका विकास होवे अच्छा हां ले हुंदा पे हां हुंदा भी पिया होवादा भी है और होना भी है हां पता तो चलो कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 अप्रैल को जो है यहां पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जलसा जो है यहां पर होने वाला और उसके अलावा खास तौर पर यही जगह चुनी गई है पंचायत पल्ली चुनी गई है और कहीं ना कहीं गाँव को भी अब जो यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है।